छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ते की राशि का ट्रांसफर किया। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे बेरोजगारों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल से रायपुर की रहने वाली पूनम सोनी ने कहा कि बेरोजगारी एक अभिशाप है और आप हमें भत्ता देने के साथ ही हमें स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पूनम ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़ से इस अभिशाप को दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे तमाम युवाओं को नया संबल मिल रहा है और रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सर, आपकी इस तहत किस योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, सर मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि हम जैसे बेरोजगारों को जो बेरोजगारी अभी अभिशाप है सर, सर आपने उसे एक नया रोड देने का बहुत अच्छा वाला प्रयास किया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका जो मुख्यमंत्री कौशल प्रकाश योजना है सर, सर उसी के तहत में मैं वहाँ पे लाइवलीहुड कॉलेज जोरा से रायपुर से सर मैं वहाँ पे अभी अध्ययनरत हूँ सर। मैं वहाँ पर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ जी सर। तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हुए वहाँ पे मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी तकनीकी देखने मिल रहे हैं, मशीनें देखने मिल रहे हैं और वहाँ पे हमें किसी भी तरह का शुल्क वगैरह नहीं प्राप्त होता था। हम वहाँ पे किसी भी तरीके का हमें दबाव नहीं है, हम अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ जाकर मस्त से पढ़ाई करते हैं सर और सभी चीजों को अच्छे से अध्ययन करते हैं सर। आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से आए आदित्य राज ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसके पिता की दुर्घटना के बाद वो निराश हो गया था, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। आदित्य ने मुख्यमंत्री से कहा, बेरोजगारी भत्ता योजना से मिलने वाली ये राशि उसके लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है और इसी राशि के दम पर मैंने फिर से नौकरी के लिए अपनी पढ़ाई और तैयारी शुरू कर दी है। ढाई हजार रुपये ऐसे में बहुत लंबे मिल जा रहा है कि अभी गोल्डन के अभी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वो मिलूंगा ये होगा वो चीज़ से ही। मेरे यानी हाल ही में पापा का दुर्घटना हो गया था, तो कमाने वाले हम सिर्फ पापा ही थे मगर हम दोनों भाई हैं, घर में पाँच से छः हजार थे हम लोग के घर में और जो होगा 7,000-8,000 रुपये। तो मैं भी काम कर रहा था, फिर हाल ही में जो आरक्षण वाला मुद्दा निराकरण हुआ आ रहा वैकेंसी निकलने लगी, तो मेरे घर में बोले कि कब तक हम लोग यही काम करते रहेंगे दूसरे का, क्यों मैं तैयारी करो सर रहे हैं तुम्हारे साथ तैयारी करने के लिए, मेरे पास पैसा है नहीं तो आपकी योजना निकली और उस योजना के तहत मैं बुक लेके पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए उम्मीद मुर्ग भत्ता की तरह ये है सर कि अगर मैं 2,500 रुपये मेरे लिए बहुत मूल्य है, पूरा फीस तो लग नहीं रही सर कि व्यापक ले रहा कैसी ले रहा है, सिर्फ ये है सर कि आने जाने का खर्च मेरे लिए फीस भी दे रही बहुत बहुत मूल्यवान है मेरे लिए। और सर आपसे निवेदन है कि जिला में ग्रंथालय खोल देंगे सर तो हम लोग पढ़ने की समस्या सर पूरा हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अनेक युवाओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपने मन की बात रखी और उन्हें बेरोजगारी भत्ता योजना और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री बघेल की इस पहल पर अभी तक 1701 युवाओं को 33 अलग अलग संस्थानों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि बेरोजगार युवाओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी जब प्रत्येक बेरोजगार युवा के हाथ में रोजगार होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सरकारी नौकरी के लिए लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, इसके साथ ही आपको भी कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें। आज देखिए 32 करोड़ रुपया आज हमने जारी किया, पिछले महीने 16 करोड़, इस प्रकार से 48 करोड़ केवल दो महीने में, अब अगले महीने 32 करोड़ से अधिक ही होगा, उसे कम तो होगा नहीं। तो देखिए कि तीन महीने में ही ये 3-4 महीने में ही 100 करोड़ पार कर जाएगा, जबकि पिछले सरकार में 2003 से लेकर 2017 तक केवल मतलब 13-14 साल में 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, 98 करोड़ की राशि वितरित की गई थी और अभी ये जो राशि जा रही है सभी लोगों ने ये बताया कि देखिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, आर्थिक किसी के
कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, होटल है, कोई व्यवसायी है, कहीं प्राइवेट जॉब है, तो आर्थिक स्थिति सबके समान नहीं है। और ऐसे में जो सच में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है, उससे न केवल प्रदेश के बेरोजगारों की आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि ट्रेनिंग मिलने से वो अपने पसंदीदा क्षेत्र में ट्रेनिंग लेकर अपनी मनपसंद काम शुरू कर सकते हैं या कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। सीएम भूपेश की तारीफ पूरे प्रदेश में हो रही है और बेरोजगार युवा युवती भूपेश सरकार की योजना से बहुत खुश नजर आ रहे हैं।